हेलो ऑल, आज का जो वीडियो है दैट इज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉप्सिकल्स। हम सबको गर्मियों में आइसक्रीम्स पॉप्सिकल खाना बहुत पसंद है, तो इसीलिए ये स्पेशली मैं उसी लिए बना रही हूँ वीडियो, सो दैट आप घर में बना सकें। हर चीज़ के लिए हर पॉप्सिकल डिफरेंट इंग्रेडिएंट से बना है, तो आप ये वीडियो पूरी एंड तक देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपका फेवरेट पॉप्सिकल कौन सा था। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो गिव इट अ थम्स अप। तो अब चलते हैं किचन में, देखते हैं क्या प्रोसेस है बनाने का। तो जो हम फर्स्ट पॉप्सिकल बना रहे हैं दैट इज़ मिक्स फ्रूट पॉप्सिकल। तो इसके लिए मैंने वाटरमेलन, मैंगो, ग्रेप्स, कीवी लिया है और एप्पल जूस लिया है। आप एप्पल जूस की जगह मिक्स फ्रूट भी ले सकते हो और मेरे पास पॉप्सिकल स्टैंड है, तो मैं उसमें एक एक करके फ्रूट डालूंगी। पहले जैसे मैंने कीवी डाला, फिर मैं मैंगो डाला, फिर वाटरमेलन, फिर ग्रेप्स। फिर हम रिपीट करेंगे प्रोसेस, कीवी डालेंगे एंड जब तक फ्रूट ऊपर तक नहीं भर जाते हम डालेंगे सारे फ्रूट। अब जब फ्रूट्स हो गए तो हम इसमें जूस डालेंगे। मैं एप्पल जूस डाल रही हूँ, आप चाहे तो मिक्स फ्रूट जूस भी यूज़ कर सकते हैं या ऑरेंज जूस। अब जूस डाल दिया है एंड जो नेक्स्ट पॉप्सिकल है वो है मैंगो जैप। तो मैंगो जैप के लिए डेफिनेटली मैंगो चाहिए, क्रीम चाहिए और शुगर चाहिए। मैंने शुगर को पीस के जो उसका भूरा होता है वो लिया है, आप भी पीस ज़रूर लीजिए। एंड ये मैंगो जैप है इसलिए मैंगो जो हमें चाहिए ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, इसलिए हम मैंगो को काट के इसे ब्लेंड कर लेंगे। एंड बीच में थोड़ा सा अगर मैंगो का पीस रह जाए तो वो थोड़ा सा मैंगो में अच्छा देगा टेस्ट। अब हम एक कटोरी में 2 चम्मच क्रीम डालेंगे, उसमें 1 चम्मच चीनी डालेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। अब जो मैंगो का पल्प हुए वो इसमें डालेंगे, थ्री टू फोर टेबल स्पून हमें चाहिए होगा, तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद अब जो पॉप्सिकल स्टैंड है उसमें हम 3/4 ये भरेंगे एंड देन इसके ऊपर प्लेन क्रीम डालेंगे। नेक्स्ट हम कोक पॉप्सिकल बना रहे हैं तो उसके लिए हम कोक डालेंगे। जो थर्ड है वो मैंगो है, तो मैंने फ्रूटी यूज किया, आप माजा भी यूज कर सकते हो, वो हम डालेंगे इसमें। अब जो नेक्स्ट है वो ओरियो चॉकलेट पॉप्सिकल है, तो उसके लिए हमें क्रीम चाहिए, अराउंड 4 टेबल स्पून क्रीम चाहिए, ओरियो बिस्किट 2 पीस के लगभग चाहिए, शुगर चाहिए अगेन भूरा एंड कोको पाउडर। अब ये जो ओरियो बिस्किट है हम इसको ब्लेंड कर लेंगे, ब्लेंडर में नहीं कीजिए बट आप चाहे हाथ से तोड़ लीजिए बारीक बारीक, और उसमें हम 1/2 टेबल स्पून कोको पाउडर डालेंगे, कर लीजिए 1.5 टेबल स्पून शुगर, क्योंकि जो मेरा कोको पाउडर है वो अनस्वीटन्ड है इसलिए मैं 1.5 पाउडर शुगर डाल रही हूँ। अगर आपका स्वीटन्ड है तो आप 1 टेबल स्पून डालिए। अब इसको मिक्स कर लेंगे, फिर क्रीम डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। जब हम मिक्स करेंगे तो आप देखिए जो थोड़े से पीस ओरियो को रह गए थे वो भी अच्छे से इसमें हो जाएंगे। अब हम इसमें मिक्सचर डालेंगे, 3/4 ही भरेंगे
एंड जो ऊपर डालेंगे वो नॉर्मल क्रीम डालेंगे। जो भी साइड में लगे उसको आप पोंछ लीजिए टिश्यू से। जो लास्ट है वो मेरा गमी बेयर पॉप्सिकल है, तो उसके लिए हम गमी बेयर लेंगे थोड़े से और उससे स्प्राइट में डाल देंगे। आप 7-Up लिमका भी यूज कर सकते हैं। एंड फॉर 30 मिनट्स आप इसे साइड में रख दीजिए जब तक ये गमी बेयर सॉफ्ट नहीं हो जाते। अब हमारे गमी बेयर सॉफ्ट हो गए, हमें 30 मिनट्स हो गए, हम इसको पॉप्सिकल स्टैंड में डालेंगे। क्योंकि मेरे स्प्राइट जो मैंने उसमें गमी बेयर में डाली थी वो थोड़ी कम थी, तो मैं ऊपर से नॉर्मल स्प्राइट डाल रही हूँ। अगर आप के पास उसमें है तो आप वो ही स्प्राइट पहले डाल लीजिए। एंड अब हम इन सारे पॉप्सिकल्स को कवर करेंगे मिक्स फ्रूट मैंगो ओरियो चॉकलेट ओरियो। गमी बेयर कोला एंड मैंगो ज़ैप, इनको हम कवर करेंगे, स्टिक डालेंगे बीच में एंड ओवरनाइट सबसे बेस्ट है, अदरवाइज 6 to 8 hours आप इसे डीप फ्रिज में रख दीजिए। मैं वुडन जो आइसक्रीम स्टिक्स होती है वो यूज कर रही हूँ क्योंकि प्लास्टिक स्टिक्स में जो इसके साथ की है कई बार ही निकालते हुए टूट जाती है। हमें ओवरनाइट मैंने इसे रखा था, अब जब हो गया तो हम इसे निकालेंगे और इसे पानी में डालना है। आप रनिंग वाटर में डालिए वो सबसे बेस्ट है, मैंने आपको दिखाने के लिए बर्तन में लिया है पानी, बट अगर आप रनिंग वाटर में डालेंगे दैट विल बी द बेस्ट। और बहुत ये देखिए कितनी बढ़िया निकली है। अब आप देखिए हमारी सारी आइसक्रीम्स और पॉप्सिकल्स रेडी है और कितनी परफेक्टली निकली हैं, देखिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आप नए हो। And don't forget to hit the bell button to be notified whenever I post a new video. Thank you and keep loving Taste Buds.